देवगिरी, जो इस ट्रेन का जो नाम है देवगिरी, ये औरंगाबाद के नज़दीक में एक शहर हुआ करता था देवगिरी, एंड जिसे अभी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। एंड देवगिरी एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था ड्यूरिंग मुगल्स रूल, एंड उन्हीं के टाइम पे देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम फिर से ट्रेन जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम सिकंदराबाद टू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बाई दिस ICF कोचेस वाला देवगिरी एक्सप्रेस के साथ। हमारी जर्नी सिकंदराबाद से पूरे CSMT तक होने वाली है, एंड हम आज ट्रैवल करने वाले हैं 3rd AC में। बट एक बात बताना चाहूँगा, मेरा टिकट फुली कन्फर्म नहीं है, RAC आ चुका है, सो विल सी, अगर आगे कन्फर्मेशन होती है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज जर्नी तो करनी ही है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट everyone टू प्लीज़ कीप our सराउंडिंग्स क्लीन। जब हमारे सराउंडिंग्स क्लीन होते हैं तो हमारे सिटीज क्लीन रहेंगे, एंड when our cities आर क्लीन, हमारी जो देश है, महान देश, वो भी क्लीन रहेगा। गाइज, देवगिरी एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 3rd February 1992, जो कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से औरंगाबाद तक होती है, एंड लेटर ऑन इस ट्रेन को नांदेड़ तक एक्सटेंड करते हैं, एंड नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड अप टिल सिकंदराबाद, जो कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सिकंदराबाद तक चलती है एज 17057 एंड इन रिटर्न 17058। हमारी देवगिरी एक्सप्रेस टोटल 880 किलोमीटर्स कवर करती है विथ 28 हॉल्स, एंड इसका जो एवरेज स्पीड है वो 47 किलोमीटर पर आवर है। एंड बाजू में सातवाहना एक्सप्रेस आ रही है, जो कि विजयवाड़ा से सिकंदराबाद तक चलती है। इस ट्रेन का भी वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है अपने चैनल में। हमारी देवगिरी एक्सप्रेस के जो रेक है, जो ICF के रेक है, ये और एक ट्रेन के साथ शेयर करती है, जो कि सिम्मापुरी एक्सप्रेस है, जो कि सिकंदराबाद से गुडूर तक चलती है। गुडूर आता है आंध्र प्रदेश में, नेल्लूर के नज़दीक। నుండి లింగంపల్లి వెళ్ళవలసిన MMGS పదోవ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ నకు రానున్నది Sure, sir. Thank you. After covering 10 kilometers, we have reached Bolaram, जिसका स्टेशन कोड है BOM. So guys, यहाँ पे टोटल 35 ट्रेन्स का हॉल्ट है, एंड यहाँ से दो ट्रेन ओरिजिनेट होती है। बोलारम पड़ता है सिकंदराबाद के अंडर में, एंड बोलारम की बात करूं तो यहाँ पे राष्ट्रपति निलायम है, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल हाउस है। सो यहाँ पे इन विंटर हमारे राष्ट्रपति एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए आते हैं, एंड वो जो भी मतलब उनका कामकाज है वो यहाँ से होके देखते हैं। सो दैट ऑफिशियल रेसिडेंस, दैट इज़ राष्ट्रपति निलायम, हमारे बोलारम में है।
अगले दो स्टेशन को स्किप करने वाले हैं एंड वी विल बी डायरेक्टली मीटिंग एट कामारे। This is Kamareddy. Station code is KMC. So guys, Kamareddy आता है। Kamareddy एक district है जो कि तेलंगाना state के अंदर आता है। And अगर मैं Kamareddy की बात करूँ तो इस Kamareddy district का नाम पड़ा था चिन्ना Kamareddy के नाम से, जो कि यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स में एक फोर्ट पड़ता है जिसको दोमकोंडा फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। एंड उसके जो रूलर थे इन द ईयर 1600 टू 1640, जिनका नाम था चिन्ना Kamareddy, तो उन्हीं के नाम से इस मेन डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है Kamareddy करके। Kamareddy में ऑलमोस्ट 60 ट्रेन्स का हॉल्ट है एंड यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती है। एंड हमारे बाजू से चल रही है अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस। कवरिंग 160 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं निजामाबाद जंक्शन। स्टेशन कोड है NZB एंड यहां से ऑलमोस्ट 57 ट्रेन्स का हॉल्ट है एंड 7 ट्रेन्स यहां से ओरिजिनेट होती है। निजामाबाद एक जंक्शन है एंड यहां से पेद्दपल्ली के लिए एक लाइन निकलती है। अगर मैं निजामाबाद की बात करूं तो निजामाबाद तेलंगाना स्टेट का सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है एंड निज़ामाबाद को पहले इंदूरी एंड इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। निज़ामाबाद में एक फेमस शुगर फैक्ट्री है जिसका नाम है निज़ाम शुगर फैक्ट्री। वो निज़ामाबाद का एक पहचान है इन तेलंगाना स्टेट में। Covering 271 kilometers, we have finally reached Nanded, Hajur Sahib Nanded Railway Station,
एंड इफ आई टॉक अबाउट नांदेड़, यहाँ पे टोटल 59 ट्रेन्स का हॉल्ट है। हजूर साहिब नांदेड़, जो कि फेमस है नांदेड़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, एंड ये एक सैक्रेड प्लेस है हमारे सिख भाइयों का, क्योंकि यहाँ पे जो सिख भाइयों के जो गुरु है, जो 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोविंद जी, वे लास्ट यहीं पे थे अपने आखिर के दिनों में, और उन्होंने जो मैनकाइंड की सेवाएं इतनी की हैं कि नॉट ओनली सिख कम्युनिटी बट ऑल अदर कम्युनिटीज नोज हिम वेरी वेल। Covering 301 kilometers, we have reached Purna Junction, जो कि मनमाड़ सिकंदराबाद लाइन में आता है। एंड पूर्णा की बात करूँ तो पूर्णा का जो स्टेशन कोड है वो है PAU, एंड यहाँ पे टोटल 89 ट्रेन्स का हॉल्ट है। पूर्णा एक स्मॉल टाउन है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड इस टाउन के अंडर टोटल 93 विलेजेस आते हैं। एंड हाँ, सिंस पूर्णा इज़ अ जंक्शन, यहाँ से एक लाइन निकलती है जो कि अकोला को कनेक्ट करती है। 300 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद हम वॉशरूम का एक बार इंस्पेक्शन करते हैं 3DS में। आप देख सकते हैं वॉशरूम तो फिलहाल तो क्लीन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन इज ऑल्सो वर्किंग। We have reached Parbhani Junction. Station code is PBN. Parbhani आता है मनमाड़ सिकंदराबाद लाइन के अंडर में, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 82 ट्रेन का हॉल्ट है। अगर मैं परभनी की बात करूँ तो इसे पहले प्रभावती नगरी कहा जाता था ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स, अभी तो परभनी के नाम से जाना जाता है। एंड प्रभावती नगरी जिसका मतलब होता था लक्ष्मी एंड पार्वती। परभनी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन दिस लाइन, एंड जिसका जो ओपन ये जो स्टेशन ओपन हुई थी इन द ईयर 1860, सो यू कैन सी। Mumbai jurisdiction.
मुंबई एंड बस एक 10 मिनट्स में हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी पहुंच जाएंगे। किलोमीटर कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एंड गाइस यहां पे हमारी ट्रेन टर्मिनेट होगी एंड हमारा जर्नी भी यहां पे समाप्त होगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इनडिस्क्राइबेबल जर्नीज गाइस।